पार्लमेंट शक्ति कड़म आयतु मोदी देश डिक्टेटर आगाने मुंदु चुनावणेनू आगोदिल्ल नानिदन्न हेळ्तीनि निमगे स्पष्टवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मुकदम है। एक बार फिर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव में भारी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करती है तो इसके आगे किसी तरह का चुनाव इस मुल्क में नहीं होगा। भले से कुछ लोग इस बयान को सियासी कहते हुए नजरअंदाज करते हो, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है जो मुसलमानों के साथ कुछ लोग हजम नहीं करना चाहते। आखिर क्या बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उसके बावजूद ये कहना कि मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर होती है तो इसके आगे फिर चुनाव होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, कांग्रेस के बड़े नेता अब भाजपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई लीडरों को भाजपा के खेमे में शामिल होते हुए देख चुके हैं। कभी भाजपा और मोदी पर खुलकर बोलने वाले भाजपा में जाते हैं तो सिर्फ मुसलमानों पर बोलना सीख जाते हैं, यानी कि मुसलमानों को जितना गाली गलौज करते हैं उतना ही उनका ओहदा बढ़ जाता है। हेमंत विश्व शर्मा, कपिल मिश्रा, अमरिंदर सिंह, दिगंबर कामत, विजय बहुगुणा, किरण रेड्डी, एनडी तिवारी, खांडू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, शंकर सिंह वाघेला और भी कई नाम हैं। अगर यूं कहा जाए कि भाजपा में आधे से ज्यादा तो दिगर पार्टियों से ही भगवा ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं। जब कांग्रेस में थे तो बड़े ही सेक्युलर हुआ करते थे। अभी हाल ही में अजीत पवार ही को ले सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाल भाजपा ने क्या कर दिया। शिवसेना जैसी शिद्दत पसंद पार्टी, यानी कि एक तरह से अगर कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाए तो गलत ना होगा, जो मराठी अस्मिता के लिए लड़ने वाली, और बाल ठाकरे ने तो पूरे महाराष्ट्र में अपना दबाव बना रखा था, आज अपना वजूद पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। कब एकनाथ शिंदे को अलग किया गया और अदालतों तक अपना रसूख इस्तेमाल कर शिवसेना के निशान यानी कि तीर कमान को ही छीन ला गया। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिसकी रूह जिस्म सब कुछ शरद पवार हुआ करते थे, अब इसकी हालत ऐसी हो गई कि अब नाम तक बदलना पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस को अजित पवार ने भाजपा मोदी के कदमों में जाकर रख दिया, तो शिवसेना के तीर कमान को एकनाथ शिंदे ने भाजपा के एक तरह से हवाले ही कर दिया। राष्ट्रवादी का निशान जो घड़ी थी उस पर भी अजित पवार ने कब्जा कर लिया। लिहाजा अब शरद पवार के लिए नया नाम यानी कि उस पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी रखा गया। अब भाजपा का अगला निशाना कर्नाटक कहा जा रहा है। अब कौन यहाँ भी गद्दार साबित होता है मालूम नहीं। हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। अब जितना भी चोरी करो, गफला करो, रिश्वतखोरी करो, भाजपा में जो भी जाएगा साफ सुथरा और ईमानदार हो जाएगा। इसलिए तो बतौर मजाक वॉशिंग पाउडर भाजपा कहा जाता है। नई तरकीब भी भाजपा की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। सबसे असरदार कहा जा सकता है इसे। सियासत कभी खिदमत के तौर पर हुआ करता था, लेकिन कहते हैं अगर अनपढ़ जाहिल को भी रुपया कमाना है तो सबसे बेहतरीन पेशा सियासत में दाखिल होना होगा। लिहाजा जितने भी सियासी लीडर हैं करोड़ों के गफले हैं, भाजपा ने इसी कमजोरी को बांप लिया, और जो भी विपक्ष का लीडर होगा या विपक्ष की पार्टी में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है तो उसके पीछे ईडी, आईटी, सीआईडी और भी दिगर सरकारी मोहकमा लगा दो। आखिरकार उसे मजबूरन भाजपा का दामन थामना ही पड़ता है, नहीं तो केजरीवाल, सिसोदिया, डी के शिवकुमार की तरह जेल मुकदमों का सामना करना पड़ता है। और जाहिर है सभी की इंसान की फितरत में होती है कि उसे पैसा चाहिए, कौन जेल जाना पसंद करेगा। और यही वजह है जो भाजपा इस कदर ताकतवर बनती जा रही है कि अगर सत्ता से सवाल भी पूछा जाएगा तो जेल मुकदमे दायर किए जाएंगे। मीडिया कभी आजाद हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद मीडिया को भी सरमाएदारों के हवाले किया गया। अडानी अंबानी की गोद में खेलने वाला गोदी मीडिया इसी मोदी राज में पैदा हुआ, जो अब बड़ा ताकतवर बन चुका है। भाजपा, आईटी सेल, तमाम तरह का नैरेटिव सेट करके मुल्क की दिशा को बदल देता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। किसान एहतजाज करता है तो गोलियां, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। मुसलमान एहतजाज करता है तो गोलियां चलाई जाती है, फिर यूएपीए लगाया दिया जाता है, फिर बुलडोजर भी घरों पर चलाया जाता है। मुल्ला मौलवी भी अब निशाने पर आ चुके हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के साबरमती जेल में ठौंस दिया गया। मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमा दायर किया गया। हल्द्वानी में सरकारी आंकड़ा 6 बताया गया है जो गोली से मारे गए, तो गैर सरकारी तौर पर 25 मुसलमानों को गोली मारने की बात कही जा रही है। मुल्क का अन्नदाता महज सत्ता से सवाल पूछने पर उसे देशद्रोही और खालिस्तानी बताया जा रहा है। मीडिया में सुबह शाम किसानों पर हो रही ज्यादती की वजह है किसान किस तरह हमलावर हो रहे हैं और किस तरह ये देश विरोधी है कि झूठी कहानियां मीडिया के जरिए पेश की जा रही है। और तमाम कहानियां, दास्ताने, उसूल, कानून, जाब्ते जो भी बन रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ ही तो बनाया जा रहा है।
पुलिस इंतजामिया अदालत धीरे धीरे अपना जमीर फरामोश कर रही। सरकार इस तरह दबाव इंतजामिया पर बना रही है कि अफसर या तो उस काम को अंजाम दे या फिर उसका तबादला किया जाए। अब दलित भी अपने मौकूफ से हटते नजर आ रहे हैं। मुसलमानों का तो मुहाफिज सिर्फ अल्लाह ही है, क्योंकि अपने तौर पर एक कौम कुछ करने के मूड में नजर तो नहीं आ रही। किस तरह किसान अपने मौकूफ पर डटे हुए हैं, कोई मामूली बात नहीं है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए जानों के नजराने पेश करने की तैयारी करें। क्या मुसलमानों को इस तरह दिल्ली चलो का हुक्म दिया जाए तो चले जा सकेंगे? उसके लिए तो अज़्म होना चाहिए। यहाँ तो अभी मसलकों के इख्तलाफ से बाहर आने को तैयार नहीं। घरेलू झगड़े, जमीन जायदाद को लेकर अदालतों में जिंदगियां गुजारना, अड़ोस पड़ोस से सुबह शाम बहस, मस्जिदियों की कमेटी में ही बुग्ज कीना, मौलवियों का अपना नजरिया है, मिल्लत दुनियावी ऐशो आराम में मुतला, अगर थोड़ा बहुत वक्त शादी दिगर तकरीबात में कुर्सियां खाने के बाद बिछा कर बैठते भी है तो फिर फलस्तीन तक पहुंच जाते हैं, फलस्तीन पर मुजाकरा, मतलब करना कुछ नहीं है। ज़हनी अय्याशियों के सिवा फिर कौम की फिक्र का नाटक भी चलता रहे। अब इस कौम से क्या तवक्को कर सकते हैं? कानून संविधान के दायरे में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं। याद रखो, आज खामोशी नस्लों को गूंगी बनने की वजह बन सकती है। ऐसा नहीं कि सभी तरफ इसी तरह की तस्वीर है। केरला की यह तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तकरीबन 50 मौलवियों ने LLB पास करके वकील बने। हाई कोर्ट वकील जब बनेंगे तो वर्दी में बैठे बजरंग दल के लोगों को सबक सिखाना भी आसान हो सकता है, क्योंकि आगे मुसलमानों की पहचान कितने मुकदमे हैं इस पर ही होगी। और वैसे भी उत्तर भारत में तकरीबन घर मुतासिर हो चुके हैं। मैंगलोर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कहते हुए मोदी की जीत आगे चुनाव होने नहीं देंगी बताया। खड़गे ने मैंगलोर के अडियार सह्याद्री कॉलेज मैदान में मुनक्कित कांग्रेस इजलास में यह बात कही। आज कुछ पार्टियां हमें हरा कर लगातार राज करना चाहती है। क्या मोदी को कोई जमीन मिली? क्या आपको वह काम मिला जो मोदी ने आपसे वादा किया था? मैंगलोर के लोग तो बहुत शातिर लोग हैं। देश का वजीर आला कैसे झूठ बोल सकता है? हमने 6 गारंटियां दी है, हम आज आपके दरवाजे पर आए हैं। मोदी ने सवाल किया कि क्या मोदी अपना पेट भर रहा है? मैंगलोर में सुबह उठते ही कांग्रेस में चले गए, ये कौन सा इंसाफ है? मजहब के नाम पर सियासत करने वालों का मकसद सिर्फ गरीबों को अपने पैरों तले रौंदना है। आप अब कांग्रेस के दौर के पैदल पुल बने हुए हैं। अगर आवाम कांग्रेस के पहले की गारंटियों को याद नहीं रखी है तो कम से कम हाल ही की गारंटियों को याद रखे। हम ये नहीं कहते कि सिद्धरामैया की गारंटी, बल्कि ये तो कांग्रेस की गारंटी है। पर मोदी हमेशा मोदी की गारंटी कहते हुए अपना तकब्बुराना अंदाज भी पेश करते रहते हैं। राहुल गांधी किसके लिए कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा? उनका मकसद देश के लोगों को एकजुट मुत्तहिद करना और इस लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन मोदी ने उनका भी मजाक उड़ाया। मोदी जहां भी जाए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का आवाम इस्तकबाल कर रही है। उन्होंने हमारी ताकत को बर्दाश्त किए बिना बार बार हमारा नाम पुकारा है, यानी कि मोदी हमें खत्म करने पर तूले हैं। उन्होंने पहले हमारा खाता भी जब्त कर लिया था। जब लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि अगले दिन खाता जारी कर दिया। कर्नाटक के बारे में भी बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रियासत में कितना पैसा आना चाहिए वह नहीं आ रहा, हमें हमारे हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा। अगर हम मरकज में हुकूमत हासिल करेंगे तो हमारी पहली गारंटी MSP की गारंटी है। हम फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून लागू करेंगे। लेकिन अगर भाजपा आती है तो याद रखो, इस मुल्क में कभी चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि तानाशाही वैसे भी दाखिल हो चुकी है। अगर इस मुल्क को मुल्क के संविधान, आईने हिंद, तहजीब, भाईचारे को बचाना है तो सिर्फ कांग्रेस ही आखिर रास्ता बचा हुआ है। लिहाजा इस बयान को संजीदगी से लेना होगा। भले कुछ भक्तों को अभी समझ में नहीं आएगा, मुसलमानों की तो बात ही अलग है, पर पिछड़ा दबा कुचला समाज SC ST जिन्हें आज मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बनाकर खड़ा कर दिया जा रहा है, आज सिर्फ मुसलमानों को ही देश विरोधी साबित किया जा रहा है। अगर मोदी फिर से इख्तदार में आ जाता है तो यकीनन हालात बदलेंगे। जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, मुल्क को बचाना सिर्फ मुसलमानों का ही काम नहीं है, बल्कि जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है, मुल्क की तहजीब, तमद्दुन, गंगा जमुनी पहचान को बचाना चाहता है, धर्म मजहब के दायरों से बाहर आकर मुल्क को बचाए, वरना बहुत देर हो सकती है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಇವತ್ತು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ನೆನೆಸೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಊಟದಲ್ಲಿ, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು
ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡಿಸಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಡಿಸಿ, ಟೆನೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಡಿಸಿ, ಬಡವರನ್ನ ಒಡಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಆಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೋದಿ ಜೈ ಜೈಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋದಿ ನಿಮಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟನ ಹೇಳಿ, ಮೋದಿ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟನ? ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾನು ಸಬ್ಕೋ ಮೈ ನೌಕರಿ ದೂಂಗ, ಹರ್ ಸಾಲ್ ದೋ ದೋ ಕರೋಡ್ ನೌಕರಿಯ ಮೈ ದೂಂಗ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮೋದಿ ಹೇಳ್ದ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಾ? ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರದವ್ರು ಭಾಳ ಹುಷಾರು ಜನ ಇದ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಮೋದಿ. ಅರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಂಡಾಗಳು ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟೇವೇನೋ, ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಕೊಡದಂಥ, ಏನೂ ಕೊಡದಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ ವಚನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ 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 ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದ? ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಬರೇ ಜಗಳ ಹಚ್ಚೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರು ಬೈಯೋದೆ ಬೈಯೋದು. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಾಗಂತೂ ಕೇಳೇಬೇಡಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೈಯೋದು. ರೈತರ ಆಮದಾನಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ದಿನಾ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೈಯೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೀರೋ ಹೇ, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀಪ್ಪ? ಜೀರೋ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ರು, ಮರುದಿವಸ ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ.